नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वल्ला। आज हम आपको पापड़ी चाट बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वे इस प्रकार है जी। हमने ये रहा टेबलस्पून, 6 टेबलस्पून मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून सूजी लिया है और 1 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल। ये चीज़ें तो हमें पापड़ी बनाने के लिए चाहिए। 1 टेबलस्पून ऑयल, 6 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून सूजी। इसके लिए मीठी चटनी, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो में दे दिया है, मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है। हरी चटनी मैंने बहुत दिन पहले ही सिखा दी थी। ये हमारे पास चेरीज है, काला नमक है, लाल नमक, सफ़ेद नमक है, जीरा पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर है, विप किया हुआ कर्ड है और बॉइल्ड आलू हैं, जिससे हम पापड़ी चाट को तैयार करेंगे। सभी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी पापड़ी चाट जब हम बाज़ार में ठेले वाले सिखाते हैं तो बोलते हैं कि घर में ऐसी क्यों नहीं बनती, आपकी आज एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी बनने जा रही है। जे हम मैदा डालेंगे, इससे ही काफ़ी पापड़ी तैयार हो जाएगी हमारी। और ये रही हमारी सूजी। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और अब दोनों के बीच में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये गर्म नहीं है, बिल्कुल जैसे एज इट इज होता है वैसा ही है। गरम गरम कुछ नहीं करना ऑयल को हमने। और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका बिल्कुल टाइट डो लगाएंगे। बिल्कुल तो पानी थोड़ा ही लेना चाहिए। जब भी का हमने डो लगाना हो टाइट तो बिल्कुल थोड़ा ही लीजिए। कई बार ऐसे हाथ पलट जाता है और पानी ज़्यादा हो जाता है। पहले हमने ऑयल को मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों में, अब हम इसे टाइट डो लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए। एकदम से टाइट डो लगाना है। देखिए हमने बिल्कुल टाइट डो लगा लिया है, जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं। देखिए इतना टाइट है जी। और इसे अब मसल मसल के थोड़ा वैसे मुलायम करेंगे, ढीला नहीं करना होता, इसे मुलायम करना बोलते हैं। डो रेडी कर लिया है, अब हम इसकी पापड़ियाँ बनाएंगे तरह तरह के स्टाइल की। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे तरह तरह की पापड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। चकले पे हमने थोड़ा ऑयल लगा लिया है। साफ कर देंगे जो साइड्स रहती है। हम कई स्टाइल की पापड़ीज आपको बनाना सिखा रहे हैं। जैसे अब हम इसमें बीच में 2 कर दिए, इसे रख लेंगे, इसे रख लेंगे और जो हमने कटिंग की थी कटिंग ले लेंगे। ऐसे कीजिए या इसे भी ऐसे कीजिए किया, जिसे जिस प्रकार से हम बो बनाते हैं किया, नाखून से कीजिए। और ये हमारी बन गई बो पापड़ी। रोल किया, ये हमारी बो तैयार है। 2 और भी हम बहुत तरह की आपको सिखाने जा रहे हैं। खाना टेस्टी, सिर्फ टेस्टी ही नहीं होना चाहिए, देखने भी बहुत अच्छा लगे। वो जिसे दूर से ही मन करे कि हम लपक कर इसे खा लें, हमारी जो भूख है उसे तेज़ कर दे, वो ही खाना अच्छा गिना जाता है। जिसे देखते ही हमारी भूख है बढ़ जाएगी और उसमें विटामिन जो भी न्यूट्रिएंट्स है अच्छी क्वालिटी के हमें मिलने भी चाहिए। इस प्रकार से हमने इसे कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे कट्स ऐसे लगाएंगे और साइडों पे दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी साइड्स छोड़ देंगे। देखिए मैंने पूरी तरह साइड्स तक नहीं लगाए हैं,
और अब क्या करेंगे, इसे उठाएंगे। अब जगह है थोड़ा, एक कट और भी लग सकता है। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे उठाएंगे। मैं आपको एक एक दो दो सारी प्रकार की, सभी प्रकार की बनाकर दिखा दूंगी। देखिए ये बन गई हमारी पापड़। जब हम इसे फ्राई करेंगे जो अपने आप खुल जाएगी। अब हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल छोटी सी लोई ली थी और इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लिया है, क्योंकि जो पापड़ी रहती है वो एकदम से क्रंची और क्रिस्पी रहनी चाहिए। इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फिर इस प्रकार से। ये बन गई हमारी समोसा टाइप पापड़ी। आपने देखा होगा रेडी वाले के पास समोसा टाइप पापड़ी भी रहती है। अगर आपने फूल की शेप देनी है तो ये बन गया हमारा फूल। सभी तरह की हम तरह तरह की पापड़ियाँ बनाकर आपको दिखाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा छोटी लोई ले रही हूँ। ऐसे पहले हमने कट लगाए थे उसी प्रकार इसे बीच में से कट लगाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे पापड़ी। समोसा टाइप, बो टाइप और जे पड़ रही हमारी। अब बनाएंगे हम गोल पापड़ी। आपको बनाना सभी, हम इसी प्रकार से छोटी छोटी लोइयां लेकर अपनी पापड़ियां तैयार कर लेंगे। इधर हमने अपना ऑयल गरम करना रख दिया है और सभी पापड़ियां भी अलग अलग शेप्स में हमने बना ली है। सबसे पहले हम छोटी पापड़ी डालकर देखेंगे कि ऑयल गर्म है या नहीं। अगर है तो हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। सभी जो पापड़ियां हैं हमारी गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये क्रंची होनी चाहिए खूब। सूजी भी डाल ली है हमने और जो डो था वो भी हमने क्या लगाया था, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट टफ, बिल्कुल टाइट डो लगाया था। अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। सभी तरह की पापड़ियाँ जो हमने अलग अलग स्टाइल में बनाई है वो गोल्डन होने जा रही है, सीख रही हैं अच्छी तरह से। हम इसे मीडियम आंच पर सेक रहे हैं। ये हमने खूब ब्रीक पतली बेलनी होती है और क्रंची रहनी चाहिए। मैं सेकने के बाद आपको तोड़ कर इसकी साउंड सुनाऊंगी कि ये कितनी क्रंची बनी है। बस इसमें रेशो का ही हिसाब है सूजी और मैदे की, और टाइट डोल गाना होता है पूरी जैसा, फिर अपने आप ही ये बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी सभी तरह की बो पापड़ी, समोसा पापड़ी सभी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर तक हो गई है। अब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छी सीखी हैं ये। मैं बाद में इसकी साउंड भी आपको सुनाऊंगी कि कितनी क्रंची है, क्रिस्पी है। इसी प्रकार से हम जब हमारी जो तरह तरह की दूसरी शेप्स की पापड़ीज हैं वो भी हम नेक्स्ट बैच की इसी प्रकार से मीडियम आंच पर सेकते हुए फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा पतली है, देखिए कितनी ज़्यादा पतली हमने बनाई है, तभी ये क्रंची बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, मोटी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी समोसा पापड़ी है, ये हमारी ट्रेडिशनल गोल पापड़ी है, ये हार्ड टाइप पापड़ी है, ये हेक्सागोन पापड़ी है। बच्चों को तभी अच्छी लगेंगी जब आप तरह तरह की बनाकर, देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये हमारी लीफ टाइप, ये बर्फी टाइप, डायमंड का कट। सभी पापड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी है। मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगी। साउंड सुना रही हूँ, ये कितनी क्रंची है, देखिए देखिए। फिर जो साइज अब टूट जाएगा अगर हम जो स्टाइल बनाया है, देखिए हमारी पापड़ियाँ
ये समोसा टाइप हमारी पापड़ी है, ये रही हार्ट टाइप, देखिए ये कितनी क्रंची है, क्रिस्पी है, ये बो टाइप है, ये रही हमारी डायमंड कट, ये रही हमारी ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी पापड़ियाँ बनाते हैं हम शुरू से उस शेप की, ये हमारी बो कट है, ये हमारी समोसा कट है। अब हम आपको सजाना सिखाएंगे कि चाट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम सभी पापड़ियों को ऐसे अरेंज कर लेंगे, मैंने सभी तरह की एक एक दो पीस सभी स्टाइल के ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने अपनी सभी पापड़ियाँ अरेंज कर ली हैं। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी जो हमने बड़े प्रेम से तैयार की है। मीठी चटनी काफ़ी रहती है। आप सच मानिए मेरी पापड़ी चाट इतनी टेस्टी होती हैं, अगर आप इसी तरीके से मेरे को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप बाज़ार की पाप चाटरी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जय रही हरी चटनी। हरी चटनी मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता दी है कि कैसे तैयार करनी है, और इमली की चटनी भी मैंने मीठी चटनी बता दी है। चटनियों का ही इसमें मेन रोल रहता है और पापड़ियाँ की क्रंचीनेस का। जब भी अच्छी चाट बनानी हो पापड़ी क्रंची होनी चाहिए और जो चटनी है मीठी वो सही मात्रा में, हरी चटनी सही तरीके से बननी चाहिए, तभी ये जो चाट है अच्छी बनती है। अब हम इस पर डालेंगे ये रेड और ग्रीन मैंने टूटी फ्रूटी ली है। अभी लॉकडाउन की वजह से हमें पोमीग्रेनाइट अनार के दाने तो मिले नहीं हैं, जो फ्रेश अनार के दाने हैं वो भी इसमें मिलाए जाते हैं। आप वो भी मिला सकती हैं। और ये रहे हमारे पास एप्पल के सेब के कटे हुए ब्रीक ब्रीक पीसीज। इसे भी आप मिलाइए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहते हैं आलू, इसमें रहते हैं आलू। पाप चाटनी में आलू जो हमने बॉईल करके छिलका उतार के छोटे छोटे पीसीज में काट के रखे हुए हैं। सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। वैसे तो हमारी चटनियों में नमक मिर्च है, परंतु वो तो करना ही होता है ना, तो हाथ से ऐसे अपनी इच्छा के मुताबिक मिलाइए। नमक स्प्रिंकल करें, लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें, वैसे चटनियों में है लाल मिर्च पाउडर, तो आप थोड़ा देख के ही मिक्स कीजिए। और ये रहा हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर, इसका फ्लेवर है जो बहुत अच्छा लगता है चाट में। और क्या रहा हमारा चंकी चाट मसाला जो हमने MDH का लिया है। मैं इतना अपने क्लेम करती हूँ कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हुए चाट बनाएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि हमने ऐसी चाट कहीं भी नहीं खाई है, क्योंकि पापड़ियों का जो क्रंचीनेस क्रिस्पीनेस है, टेस्ट है जो उसका, और चटनियों का टेस्ट है, वो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कहीं भी खाएंगे बाहर तो आपको कभी भी पसंद नहीं आएगी। हमारे पास है हल्दीराम का आलू भुजिया, और ऊपर से आप आलू भुजिया डालकर इसे सर्व कीजिए और अपने परिवार को मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए। और बावा लूटिए कि कितना अच्छा बना है। इसके बाद आप कभी भी बाजार की चाट नहीं खाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।
थैंक्स वेरी मच। और एक बात मैं आपको और बताने जा रही हूँ कि अगर आप मुझसे कोई और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए आपकी चॉइस पर, जिस रेसिपी पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वह रेसिपी हम सबसे पहले तैयार करेंगे और आपके इच्छा को पूरा करेंगे। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर जरूर दीजिए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। थैंक्स वेरी मच।